दोस्तों, दुबई को अमीरों का देश भी कहा जाता है। आपको बता दें कि दुबई में 40,000 से भी ज्यादा लखपति व्यक्ति मौजूद हैं। दुबई खूबसूरती और लग्जरी के मामलों में बहुत प्रसिद्ध है। दुबई के आलीशान होटल और यहाँ के अद्भुत रेस्टोरेंट्स और होश उड़ा देने वाली बिल्डिंग्स इसे और भी खास बना देती हैं। उसमें शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम जैसे अमीर व्यक्ति भी मौजूद हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल कितनी विशेष है। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम जिस परिवार में जन्मे थे वो 1833 से दुबई पर राज कर रही है। जब 1971 में यूनाइटेड अरब अमीरात बनाया गया तब ये सिर्फ 22 साल की उम्र में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बन गए थे और कुछ ही सालों के बाद ये 1995 में दुबई के क्राउन प्रिंस बने। क्या आपको लगता है दोस्तों कि क्या ये यहीं रुक जाएंगे? जी नहीं, आगे जाकर ये 2006 में ये दुबई के रूलर और यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रधानमंत्री बने और वो भी केवल 48 घंटों में। दुबई हमेशा ऐसा नहीं था जैसा आप आज देखते हैं। साथ ही हमेशा से यहाँ इतनी आलीशान जिंदगी और अमीरी भी नहीं थी। अल मक्तूम के फैसलों और पॉलिसी ने दुबई की तरक्की में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने करियर के दौरान अमीरात एयरलाइंस की शुरुआत की जो कि दुनिया के सबसे सफल एयरलाइंस में से एक है। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी मौजूद है जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है जो कि 1,40,000 करोड़ की बिल्डिंग है जिसे दुनिया की सबसे आलीशान बिल्डिंग माना जाता है। इसमें शेख अल मक्तूम का काफी योगदान रहा। अल मक्तूम के पास दुबई में काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं और दुनिया में इनकी मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं और इनके पास इंसानों द्वारा बनाए गए द्वीप भी मौजूद है। साथ ही साथ इनके पास साबिर पैलेस भी है। साबिर पैलेस एक ऐसा महल है जो दुबई के मध्य में मौजूद है और एक प्राइवेट सीक्रेट बिल्डिंग है। हालांकि इसे आलीशान होने के लिए जाना जाता है जिसमें आलीशान कमरे, प्राइवेट पूल, बेहतरीन डिजाइन वाला महल अल मक्तूम की प्रॉपर्टी का एक अहम हिस्सा है। अवश्य आलीशान महल हर किसी को संतुष्टि दे सकता है पर अल मक्तूम को नहीं। इनके पास यूनाइटेड किंगडम में भी प्रॉपर्टीज मौजूद है। इन्होंने 1,000 मिलियन डॉलर का रियल एस्टेट खरीद रखा है जो कि इनकी नेटवर्थ का एक छोटा सा हिस्सा है। इनकी नेटवर्थ लगभग 4 बिलियन डॉलर यानी 28,000 करोड़ है। इनके पास सबसे महंगे स्टेट है जो कि 75 मिलियन डॉलर महंगे होंगे जो कि लगभग 512 करोड़ के बराबर है। ये एक राजा के लिए एक अच्छा पैलेस है। इसमें बताया जाता है कि दर्जनों बिल्डिंग मौजूद है और लेविस इम्यूनिटीज मौजूद है। इन्होंने तलाम होल को 45 मिलियन डॉलर में खरीद लिया। इन्होंने ये इसलिए खरीदा क्योंकि ये शहर से मीलों दूर था। तलाम होल घोड़ों के अस्तबल के लिए विशेष है। यहाँ घोड़ों की रेस भी बहुत होती है। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम को ऐसे खेल बहुत पसंद है। इन्होंने 1992 में कदल पाम रेसिंग का निर्माण किया जो कि काफी सफल हुआ जिसमें लगभग 5,000 रेसेस हुई। इन्होंने अपने आप को दुनिया के कुछ महंगे घोड़े खरीद कर और विशेष बना दिया। इन्होंने केवल 10 घोड़ों पर ही केवल 16 मिलियन खर्च कर दिए जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 112 करोड़ रुपए के बराबर है। अल मक्तूम के पास हॉर्स स्टेबल दुबई के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, आयरलैंड में भी मौजूद है जहां इनका जोन्हा बेल्फम भी मौजूद है। जोन्हा बेल्फम घोड़े साधारण इंसान से भी अच्छी जिंदगी जीते हैं। इसमें एक खिड़की और एक फैन है जो कि घोड़ों को ठंडा और आरामदायक महसूस कराता है। साथ ही समुद्र के बीच एक यॉट पर भी रहना पसंद करते हैं। सभी सुविधाओं के साथ अल मक्तूम के सुपर यॉट को देखकर हर कोई हैरान हो जाएगा जिसका नाम दुबई है। इसकी कीमत लगभग 400 मिलियन डॉलर है। ये यार्ड दुनिया के सबसे लंबे यार्ड में से एक है जिसकी गजब की लंबाई 132 फीट है। अगर इस यार्ड को उसके बोह पर खड़ा कर दिया जाए तो ये पिरामिड ऑफ गीजा से भी ऊपर निकल जाएगा और बिग बैंग से दोगुना बड़ा होगा क्योंकि अब तो आपको इसकी लंबाई का अंदाजा लग ही गया होगा। आप अगर एक यार्ड पर होते हैं और आप बहुत सारी मस्ती करना चाहते हैं तो यहाँ एक गैराज भी है जहाँ एक स्पीड बोट और स्मरीन मौजूद है जिससे आप इमरजेंसी में निकल सकते हैं। अब यहाँ से निकलने का एक और तरीका है जो है इनका प्राइवेट हेलीकॉप्टर जो हेलीपैड से टेक ऑफ कर सकता है। ये एक ऐसी जिंदगी है जिसे हम सब जीना चाहते हैं लेकिन ऐसी शानदार जिंदगी हम सब की जिंदगी में नहीं होगी। अल मक्तूम चीजें खरीद कर ही पैसे खर्च करते हैं? जी नहीं, जब इन्होंने प्रिंसेस सलमा से शादी की जो कि ये उनकी छठी पत्नी है, उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी शादी की जो 20,000 सीट के स्टेडियम में हुई जिसमें लाखों डॉलर खर्च हुए। तो दोस्तों, आपको इनकी रॉयल लाइफ अच्छी लगती है या अपने देश के अमीर लोगों की? दोनों को कंपेयर करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि अगर आपके पास इतने पैसे आ जाएं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी जरूर करें।